तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रैक्टर का जो हमारा पंप होता है डीजल पंप, इसमें ऑयल कैसे डालते हैं। इसके लिए मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई ट्रैक्टर के पंप में ऑयल कैसे डाला जाता है, उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो ट्रैक्टर के पंप में ऑयल डालने के लिए क्या करना है अपने को, कि पंप में जो एक नट होता है यहाँ पर ये वाला, इसको खोल लेना है। खुलेगा कुछ एलंकी पाने से, 10 नंबर एलंकी, इससे कुछ इसको ऐसे खोलना पड़ता है। तो इसको मैंने पहले से खोल रखा है, इसको ऐसे खोल लेना है और यहीं पे अपने को ऑयल डालना है। तो यहाँ ऑयल डालने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया है। जुगाड़ तो क्या बनाया है देखो आपको बताता हूँ मैं। अपनी जो बॉटल रहती है हैप्पी की बॉटल जो रहती है, इस बॉटल को क्या करना है अपने को, इसमें से ये जो इसका मुँह रहता है इसको काट लेना है, आगे से इसमें ऑयल डाल लेना है। तो इससे यहाँ पे ऑयल डालने कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने ऑयल पहले से डाल रखा है, आपको बता दूँ मैं, थोड़ा सा निकाल के देख सकते हो। तो इसके अंदर अपने को जो पंप के अंदर जो ऑयल डालना है वो बिल्कुल प्योर इंजन ऑयल डालना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो पंप है उसमें चिकनाहट बनी रहेगी और पंप की लाइफ काफ़ी समय तक बढ़ेगी। मतलब ये मान के चलो कि आपका पंप जो है वो 4-5 साल एक्स्ट्रा ही चलेगा जितना चलना है उससे। इसके पंप में ऑयल डालने से क्या होता है कि पंप में कुछ चिकनाहट बन जाती है, दूसरी बात डीजल के साथ ऑयल मिक्स होकर पिस्टन में जाता है तो वहाँ भी चिकनाहट बन जाती है, जिससे इसके कई फ़ायदे हैं। इंजन को, इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इसके पंप की जो है ट्रैक्टर के पंप की ऑयल लाइफ भी बढ़ेगी। तो अपन इसको जो डाल लेते हैं, एक बात बता दूँ आपको कि इसको हर 40-50 घंटे में एक बार यहाँ पर ऑयल डालना है अपने को, 200 ग्राम के लगभग। 200 ग्राम से ज़्यादा अगर आप ऑयल डालोगे तो इसके पंप के अंदर 200 ग्राम ही रहेगा, बाकी जो ऑयल है ये जो नली है इसमें या नीचे दी हुई पंप से निकली हुई इसके से इसमें से वापस नीचे निकल जाएगा। तो 200 ग्राम ऑयल डालना है हर 40-50 घंटे के दरमियान में। तो अपन इसमें डाल लेते हैं, ऑयल डालने के बाद वापस इस नट को कस देना है, जो एलंकी वाला नट है अपना, इसको वापस कस देना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय जवान जय किसान।